हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में हो गए, पॉजिटिव फील कर रहे हो। और आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे, अब आपका रीयूनियन 1 महीने के अंदर नहीं होता है, ठीक है। 1 महीने के अंदर आपका कॉल, मैसेज, कॉन्टैक्ट कुछ भी नहीं होता है, तो आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों पे क्या असर हो सकता है, ठीक है। क्या कुछ होगा नियर फ्यूचर अगर आपका 1 महीने में रीयूनियन नहीं होता है, आपका कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। और यस, टाइमलेस रीडिंग होती है, जब कभी आप रीडिंग तक पहुंचोगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज निकल के आता है, ठीक है। कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन यस बहुत सारी बातें रेजोनेट कर जाती है। और यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चार्जेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें बताएं कि अगर इनका रिलेशनशिप 1 महीने के अंदर स्टार्ट नहीं होता है, इनको अगर कॉल मैसेजेस नहीं आते हैं इनके पार्टनर के, मतलब कुछ भी इनका कुछ कॉन्टैक्ट ही नहीं होता है 1 महीने के अंदर, तो इन दोनों के साथ एक मतलब क्या कुछ हो सकता है फ्यूचर में, हमें बताएं। 1 महीने के बाद इन दोनों की सिचुएशन क्या हो सकती है, हमें ट्रू मैसेजेस दें, ठीक है। तो ये निकल के आए, तो एक आपका, एक आपके पार्टनर का है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के साथ होगा अगर 1 महीने के अंदर ये आपसे मैसेज, कॉल, कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, आपका रियूनियन नहीं होता है 1 महीने के अंदर, तो ये होने वाला है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। और यस, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, क्योंकि मुझे कुछ नया टॉपिक चाहिए था जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। रोज रोज करंट फीलिंग्स कर करके भी परेशान हो गई थी, मुझे कुछ अलग चाहिए था, तो मैंने अलग टॉपिक ढूंढा है, ठीक है। देखते क्या कुछ निकल के आता है ये आपके कार्ड से, ठीक है। ये होगा आपके साथ 1 महीने के अंदर आपका रियूनियन नहीं होता है, आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेजेस नहीं करते हैं, तो 1 महीने के अंदर आपके साथ ये, 1 महीने के बाद आपके साथ ये कुछ होने लगेगा, ठीक है। इस तरह से है ये रीडिंग का टॉपिक, आई होप आपको अच्छा लगा हो टॉपिक, ठीक है। और बॉटम में है 7 ऑफ पेंटेकल्स, जो कि दोनों को ही लगेगा आफ्टर 1 मंथ अगर रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होता है, तो इतना अच्छा रिलेशनशिप क्यों हमारे हाथ से जा रहा है, हम क्यों खो रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ऐसा क्यों, मतलब भगवान ने हमें, हमारे साथ किया, हमने इतना प्यार किया था, इतना एफर्ट्स डाला था दोनों ने ही, और क्या मतलब इतना लॉयल थे हम एक दूसरे के लिए, क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ। इस तरह से आप आफ्टर 1 मंथ अगर आपका रियूनियन नहीं होगा ना, इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है। और हम देखते हैं अब और क्या कुछ सोच सकते हो आप, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे आप देखो आपके पार्टनर डायरेक्टली सपनों की दुनिया में जीना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करने लगेगा आपको लेके, जो कि फर्स्ट कार्ड हर रीडिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ना क्लियरली आपको इस तरह से देखने लगेंगे कि मूवी उनके आंखों के सामने, जैसे कि अभी भी आप 24 आवर्स चलते ही हो, लेकिन अगर आपका रियूनियन नहीं होता है, बातचीत स्टार्ट नहीं होती, तो एकदम ऐसे पागलों की तरह कंटिन्यू आपके बारे में सोचते रहेंगे और सपने देखते रहेंगे, इस तरह से दिन में भी रात में भी हर वक्त आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे, और रियूनियन के बारे में सोचेंगे, मतलब उनका माइंड बहुत ज़्यादा ये करेगा, उनको टॉर्चर करेगा, ढकेलते रहेगा, जा बात कर, रियूनियन कर, बात कर, स्टार्ट कर, क्यों नहीं किया अब तक, इस तरह से इनको बातचीत, मतलब उनका माइंड उनसे बात करने लगेगा आफ्टर 1 मंथ अगर इस 1 मंथ में आपका रियूनियन नहीं होता है तो। और इनका माइंड पर ये भी सोचते रहेगा कि यार अगर आप मान लेते, अगर उनकी बातें मान लेते, आप कोई कंडीशन नहीं रखते, अगर आप वो दीवार नहीं रखते जो आपने कंडीशन उनके ऊपर डाल के रखी, अगर आप उससे ज़रा सा कम हो जाते तो कितना अच्छा होता, ये रिलेशनशिप कितना अच्छा होता, ये इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आफ्टर 1 मंथ। और ये यही सोचते रहेंगे कि मतलब क्या मैंने कमी की थी, मैंने इतना प्यार तो किया था, अगर ये मुझ पर भरोसा कर लेती, अगर ज़रा सा ट्रस्ट दिखाती मेरे ऊपर, और बस ये थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचती रहती, तो कितना मतलब ये रिलेशनशिप कितना अच्छा हो सकता था, जो कि इन्होंने खुद होकर शायद आपको पास में छोड़ा होगा, खुद होके उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया है, इस तरह से भी नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी ये अपनी ही बात आपसे मनवाना चाहते हैं, इनको लगता है कि आपको उनकी बात सुननी चाहिए, वो आपको जो बताना चाहते हैं वो आपको मानना चाहिए, और क्लियरली उनको ऐसा ही लगता है कि अगर आप उनकी बातों में उनके साथ देते हो, जो कहते अगर वैसे मानते हो ना, तो आपका जो रिलेशनशिप जो थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है ना,
और डेफिनेटली ना इस तरह से चेंज हो जाएगा, और जो आप चाहते हो ना इस रिलेशनशिप का मतलब जो आपकी इच्छा है वही आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगा, अगर आप उनकी बात मानते हैं और अगर ये थर्ड पार्टी के बारे में ना सोच के आप बस उनका सपोर्ट करते तो ये मैजिक आपको देखने को मिलता इस रिलेशनशिप में। ये इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर एक महीने के अंदर आपका रियूनियन नहीं होता है तो, ठीक है। और हम और देखते हैं क्या कुछ सोचेंगे आफ्टर वन मंथ। और देखो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों भी है, जैसे कि मैंने बोला ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करेंगे, आपके सारे अकाउंट्स चेक करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करने का दिल करेगा और शायद मतलब इनको लगेगा कि इतना अच्छा मतलब दिवाली पे अभी उस टाइम पे जा गई होगी ना, तो उनको लगेगा दिवाली में अगर हम साथ होते कितना अच्छा होता, हमने पास किया पहली दिवाली कितने अच्छे से मनाई है, इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सारे सोशल मीडिया आपके फोटोज देखते रहेंगे, वीडियोज़ को चेक करते रहेंगे, इस तरह से नज़र आ इनका दिल बार बार करेगा आपसे बात करने का, कॉन्टैक्ट करने का, बात करने का, कॉन्टैक्ट करने का, और फिर से उनको ये दीवार याद आएगी कि जो आपने बोल के रखी है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स मतलब आप दोनों ने ही कुछ कंडीशंस डाल के रखी है इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए, जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई देंगे। और यस डेफिनेटली यहाँ पे देखो टेन ऑफ पेंटेकल्स और टेन ऑफ कप्स दोनों के दोनों हैं, जो कि वो आपको एक महीने के बाद भी यही सोचते रहेंगे कि रियूनियन करना है, शादी करनी है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, क्या रास्ता आएगा, क्या रास्ता मिलेगा। लेकिन डेफिनेटली ये ना आपको एक महीने के बाद मतलब जैसे कि मैंने बोला ये यही सोचेंगे एक महीने के बाद भी इनका यही रहेगा कि आप मान लो आप इनकी बात सुन लो इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए, आप कंडीशंस मान लो उनकी, उनके हाँ में हाँ मिलाओ और जो वो बोल रहे वैसे ही करो, तो डेफिनेटली आपका रियूनियन कर रहे मतलब रियूनियन आपको मिल ही रहा है इनका, ठीक है। मुझे तो ये भी फीलिंग आ रहा है कि शायद एक महीने के अंदर ही आपका रियूनियन हो जाए, ठीक है। ये तो हमने एक महीने का बाद देखा कि अगर रियूनियन नहीं होता तो क्या सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे रियूनियन के कार्ड आए, जो कि आपके पार्टनर दिल से चाहते इस रिश्ते को रियूनियन करना, जल्दी से आपसे कॉन्टैक्ट करना, आपसे मिलना, ठीक है। इस तरह की फीलिंग्स है और आफ्टर वन मंथ भी ये इसी तरह से सोचते रहेंगे क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे रिश्ते में आगे जाओ, कैसे आपको मनाऊँ, कैसे इस रिश्ते में कुछ भगवान मैजिक कर देगा और कैसे ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा और कैसे थर्ड पार्टी इस रिश्ते से जाएगी, ये यही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आपका देखते हैं कि आप क्या कुछ सोचोगे। तो यस आप भी दो दो थॉट्स में कंफ्यूज रहोगे, क्या ये मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, क्या करूँ, मतलब आपको कुछ को समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से क्यों कर रहे हैं आप। बार बार इसी बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि अगर इसने अगर मुझसे झूठ ही नहीं बोला होता, अगर शायद इन्होंने आपसे ना थर्ड पार्टी के रिलेटेड कुछ झूठ बोला है, ठीक है, और वो इसीलिए बोला था कि आपको बुरा ना लगे और उनको पता था कि आपको बुरा क्यों और कैसे लग सकता है, और इसीलिए देखो यहाँ पे दो दो रिश्तों में बैलेंस करने के लिए उन्होंने आपसे झूठ बोला था, और ये बात आपके दिल को इतनी ज़्यादा लग चुकी है ना, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, तो आपको मतलब विश्वास ही नहीं होता कि इतना आपको यकीन दिलाते हैं आपसे प्यार करने का, और आप आखिर उन्होंने दूसरी पार्टी के लिए आपके साथ ऐसा क्यों किया, दूसरे के साथ बैलेंस बनाने के लिए आपको इसे नीचे छोड़ दिया। आप इस तरह से सोच के हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो आफ्टर वन मंथ, ठीक है। आप डेफिनेटली उस टाइम पे भी इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करने के बारे में ही सोचोगे, इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के बारे में ही सोचोगे, बहुत ज़्यादा मिस करोगे आपके पार्टनर को, आप चाहोगे कि भगवान मैजिक कर दे इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर दे, बस आप अपने पार्टनर को अपनी पूरी दुनिया मानते हो, ठीक है। आप दो दो थॉट्स में कंफ्यूज भी हो, क्या मैं उसको पूरी दुनिया मानती हूँ, मैंने सच में सच सब कुछ दिया, सारे एफर्ट्स मैंने लगाए, तो क्या वो कुछ भी नहीं मानता, क्या वो कुछ भी नहीं चाहता, मतलब उनका अगर कांटेक्ट नहीं होता है तो आपको ऐसा दिल करेगा कि जितना मुझे तकलीफ हो रही है क्या उसको नहीं होती। आप इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हो और आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उन्होंने किसी और के लिए आपको नीचे छोड़ दिया, नीचे रख दिया, आपको ठीक से बैलेंस नहीं कर पाए, झूठ बोला आपसे, ठीक है डेफिनेटली। लेकिन आप उस टाइम पे भी मतलब रियूनियन नहीं भी होता है ना, उसके बाद भी आप उनके रियूनियन करने के बारे में सोचोगे, आप उनकी राह ही देखते रहोगे कि कब वो आपको ऑफर करे, कब वो आपसे शादी करे, कब वो आपको आगे कमिटमेंट दे, इस तरह से आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने लिए स्टैंड भी लेना चाहोगे उस टाइम पे, ठीक है। मतलब शायद अगर इनका एक महीने के बाद आपको ऑफर आ जाता है, या फिर आप ही दिल से आपका दिल ये ऐसे ही सोचेगा कि मुझे इससे कुछ भी करके शादी ही करनी है, उनसे एक्शन की उम्मीद ही है, आपको बहुत ज़्यादा उनसे फिजिकल अट्रैक्शन भी महसूस होने लगेगा, ठीक है।
लेकिन फिर भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, आप खुद होके एक्शन नहीं लोगे, आप चाहोगे कि आपके पार्टनर ही खुद होके एक्शन ले और आपसे बातचीत स्टार्ट करे, आपको कमिटमेंट दे, ठीक है। और इनका मुझे ना ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि अगर आपको ना मंथ के एंड तक अगर इनका कॉल मैसेज आ जाता है या फिर स्टार्टिंग में भी आ जाता है ना, तो आप अपने लिए स्टैंड ले लोगे, आप बोलोगे अब आ ही गए हो इतने दिनों के बाद, चलो एक साल हो गया, 6-7 महीने हो गए, 1-2 महीने हो गए, अब आ ही गए हो तो अब तो मुझे कमिटमेंट दे दो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे अभी तो कमिटमेंट दे दो, अब तो क्या मतलब, आ ही गए, इससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि तू आज भी मुझसे प्यार करता है या करती है, तुझे भी उतना ही अट्रैक्शन है मेरा जितना कि तुझे मुझे है तेरा। तो अगर हम दोनों की फीलिंग सेम है तो फिर तो क्यों नहीं मेरे साथ शादी करता, क्यों नहीं कमिटमेंट देता, आप इस तरह से उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड डेफिनेटली लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यस, ये सब कुछ होगा। अब यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो गाइस मुझे साइंस बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे ही कार्ड्स, इतने सारे कार्ड्स हैं कि सारे के सारे ही साइंस है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको नंबर बता देती हूँ, नंबर 8 है 1 है 7 है 6 है और 777 है यहाँ पे, मतलब देखो डिवाइन का आपको सपोर्ट है, 777 मतलब स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन है, डिवाइन नंबर है, ठीक है। 777 तो यहाँ पे 777 है, 3 है 1 है और 8 भी है, ठीक है। 9 है 10 है, 10 को हम 1 ही बोलेंगे, ठीक है। यस, डेफिनेटली ये नंबर से यहाँ पे आपके आपके पार्टनर के बर्थडे में हो सकते हैं और ये आपकी फीलिंग्स है। अगर आपका 1 महीने के अंदर यूनियन नहीं होता है तो 1 महीने के बाद क्या, तो 1 महीने के बाद भी वही है सेम, आप दोनों ही हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहोगे और मुझे वाइब्स आ रही है कि आपका रियूनियन डेफिनेटली होते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपका आपके आपको आपके पार्टनर का कॉन्टैक्ट भी रिसीव होगा और आप अपने लिए स्टैंड भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यस, अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपकी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिसके भी साथ रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।